हेलो हेलो, चलो लेट्स स्टार्ट। शेयर माय स्क्रीन। हेडिंग दो। रिस्क मॉडल्स 1। सो बेसिकली अगर हम लोग देखें, एक कंपनी को क्या करना पड़ता है, एक एग्रीगेट क्लेम अमाउंट पे करना पड़ता है। ठीक है, जितने भी क्लेम्स आ रहे हैं सबका टोटली तो मुझे पे करना पड़ेगा ना। तो व्हाट डू वी टेक, एस इज इक्वल्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस डॉट 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 एक्स एन। ठीक है, जहाँ पे एक्स क्या है लिखना, इंडिविजुअल क्लेम अमाउंट। एक्स इज इंडिविजुअल क्लेम अमाउंट, एन इज नंबर ऑफ क्लेम्स, एस इज एग्रीगेट क्लेम अमाउंट। एस इज एग्रीगेट क्लेम अमाउंट। ठीक है, बेसिकली क्या करें, हर क्लेम इंडिविजुअल क्लेम को ऐड करें टू गेट। नाउ द थिंग इज, इसमें अगर हम बोलें कि एक्स कैन फॉलो एक्सपोनेंशियल, इंडिविजुअल क्लेम अमाउंट्स कैन फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल थोड़ा अनलाइकली होगा क्योंकि उसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगे, तो लॉग नॉर्मल, परेटो, वेबुल, ऑल द पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली, है ना। तो एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम डिस्क्रीट भी ले सकते हैं, बट नॉट वेरी लाइकली, बट डिस्क्रीट भी हो सकते हैं। तो एक्स कैन बी कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट, ऑल्सो एट द सेम टाइम एन कैन बी कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। सो अकॉर्डिंगली एस विल ऑल्सो एक्चुअली डिपेंड ऑन, एस विल ऑल्सो एक्चुअली डिपेंड ऑन आपका एक्स और एन का क्या है। सो इफ आई से कि हमारा एक्स कंटिन्यूअस है, ठीक है, एक्स अगर कंटिन्यूअस है, और अच्छा एन का मैंने लिखा है कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट, बट एन आइडियली क्या होगा। वेरी गुड, इट ऑल्सो हैज टू बी, ऑलवेज हैज टू बी डिस्क्रीट। ठीक है, तो एन बिकॉज इट्स द नंबर ऑफ क्लेम्स कैन नॉट बी 2.5, 3.5, इट ऑलवेज हैज टू बी डिस्क्रीट। सो इट विल बेसिकली डिपेंड, एस का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा विल डिपेंड ऑन एक्स। सो इफ एक्स इज ऑल्सो डिस्क्रीट तो एस डिस्क्रीट हो जाएगा क्योंकि दोनों डिस्क्रीट हो गए। अगर आपका एक्स कंटिन्यूअस है तो इन दैट केस एस बिकम्स अ मिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एन इज आपका डिस्क्रीट एंड एक्स आपका कंटिन्यूअस है। सो इट बिकम्स अ मिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन। गॉट इट? ठीक है, गॉट इट। चलो नाउ लेट्स राइट अ फ्यू अजम्पशंस। हेडिंग देना, हेडिंग देना अजम्पशंस। पहला अजम्पशन जो हम लोग करते हैं, पहला अजम्पशन जो हम लोग बनाते हैं, वो हम लोग बोलते हैं कि ऑल द एक्साइज वेर आई का वैल्यूज गोज फ्रॉम 1 to n। अच्छा, स्मॉल एन और कैपिटल एन, कैपिटल एन मतलब इट्स अ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, कैपिटल एन का मतलब इट्स अ रैंडम वेरिएबल, वेर एज स्मॉल एन का मतलब कि इट्स अ फिक्स्ड नंबर। ठीक है, तो वी आर सेइंग ऑल द एक्साइज आर आई आई डी रैंडम वेरिएबल्स,
आर आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स मतलब इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड. ये एक बहुत ही सिंपलिस्टिक अजम्पशन है दैट ऑल द इंडिविजुअल क्लेम अमाउंट्स दैट आर कमिंग इन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड आर आइडेंटिकल मीनिंग फॉलोइंग द सेम टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, सेकेंड वाला ले लो. सेकेंड वाला एन हम लोग बोलते हैं इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्साइज, मतलब नंबर ऑफ क्लेम्स यू आर गेटिंग इन इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द क्लेम अमाउंट्स. ठीक है, नंबर ऑफ क्लेम्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्लेम अमाउंट. एन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्साइज. एन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्साइज. ठीक है, लेट्स डू वन क्वेश्चन. क्वेश्चन लिखो, अ कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशन एस. तो बेसिकली क्या होता है, एक बार देखना इधर. अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं कि आपका एक्स आईज आर डिस्ट्रीब्यूशन, लेट्स सपोज एक्स आई फॉलोज एक्सपोनेंशियल, एन फॉलोज पॉइजन. पॉइजन इज डिस्क्रीट, एक्सपोनेंशियल इज कंटिन्यूस. एस बिकम्स अ मिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन. एस को हम लोग कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे. एस को हम लोग कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज इट्स एडिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, राइट? एंड इट्स कंसिस्ट ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन. तो उसको हम लोग मिक्सचर या फिर कंपाउंड, यूजली कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशन उसको हम लोग बोलते हैं. एस इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो अ कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशन एस इज सच दैट प्रोबेबिलिटी एन इक्वल्स टू जीरो इज 0.6. Probability n equals to 1 is 0.3. Probability n equals to 2 is 0.1. Claim amounts are either of 1 unit or 2 unit. With equal probability. इसका मीनिंग क्या है कि x का वैल्यू 1 होगा या x का वैल्यू 2 होगा विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, मतलब 0.5. डिराइव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ s. सबसे पहले तो ये बताओ ये कौन सा एस, एस का क्या बनेगा, डिस्क्रीट कि मिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन? कैसे डिस्क्रीट? क्योंकि एक्स क्या है, डिस्क्रीट है. एन क्या है, एन इज ऑलवेज डिस्क्रीट. तो एस यहाँ पे डिस्क्रीट बनेगा. डिस्क्रीट मतलब इंडिविजुअल वैल्यूज होंगी, ऐसा रेंज नहीं होगा ऑफ वैल्यूज. तो एस का वैल्यूज कहाँ से कहाँ जा सकता है बताओ. Which is the S is basically what? X1 plus X2 dot 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 XN. अब हमारे केस में ये कहां तक जा सकते हैं नंबर ऑफ क्लेम्स? 2 तक उसके ऊपर है ही नहीं पॉसिबिलिटी. नंबर ऑफ क्लेम्स के नाइदर भी 0 और 1 और 2 इसके ऊपर जा ही नहीं सकता, करेक्ट है? तो अब बताओ अमाउंट्स क्या क्या हो सकते हैं. मतलब अगर आप बोल रहे हो X1 प्लस X2 तक ही जा सकते हैं, है ना? यही तो बोल रहे हो. क्या क्या पॉसिबिलिटीज है बताओ S के वैल्यूज का. हाँ, S मतलब सम ऑफ इंडिविजुअल क्लेम अमाउंट. इंडिविजुअल क्लेम अमाउंट कैन बी ऑफ 1 रुपी और 2 रुपीज, ऑफ 1 रुपी और 2 रुपीज. एंड हाउ मेनी इंडिविजुअल क्लेम्स कैन बी देयर? 0, 1. तो क्या होगा एस का बताओ, वैल्यूज एस क्या क्या ले सकते हैं? एस इज द टोटल अमाउंट, क्या क्या हो सकता है? वेरी गुड. 0 क्यों? अगर 0 क्लेम्स आ रहे हैं तो 0, और अगर 1 क्लेम आ रहा है ऑफ 1 यूनिट, कैसे? 2 क्लेम्स आ रहे हैं किसके? 1 और 1 के, तब तो 3 हो जाएगा. ऐड करके, ऐड करना है ना आपको.
01 कैसे हो सकते हैं? जीरो आ, जीरो मतलब कि जीरो क्लेम्स आ रहे हैं, तो अब तो क्लेम हुआ ही नहीं। वन और कैसे? दो क्लेम। टू इज द अमाउंट, सोच के बोलो। व्हेन यू आर सेइंग टू मतलब दिस शुड एड अप टू टू, सो इट कैन आइदर, सो इट कैन आइदर बी टू क्लेम्स का टोटल और इट कैन आइदर बी वन क्लेम ही टू का है। तो टू आएगा कैसे? टू दो तरीके से आएगा। अगर एक क्लेम आ रहा है, एन इज वन, एन का एन वन होने का मतलब एक ही क्लेम आ रहा है पूरे साल, और एक क्लेम कितने का आया? 2 रुपीज का आया, ठीक है। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है कि दो क्लेम्स आ रहे हैं और दोनों क्लेम कितने का है? वन और वन का, तो एड होके 2 हुआ ना। और क्या पॉसिबिलिटी है? टू हो गया, और सोचो ना, दो क्लेम्स आ रहे हैं तो और क्या पॉसिबिलिटी है दो क्लेम्स में? जीरो कैसे हो सकता है? समझो, व्हेन आई एम सेइंग एन इज इक्वल टू जीरो मतलब क्लेम ही नहीं आया तो वो जीरो हो गया। व्हेन आई एम सेइंग एन इज इक्वल टू वन मतलब एक क्लेम आया, तो वो जो एक क्लेम आ रहा है उस क्लेम का अमाउंट क्या है? 1 रुपी, तो 1। 2 रुपी, तो 2। अब अगर 2 क्लेम्स आ रहे हैं, तो 2 क्लेम्स आ रहे हैं दोनों एक एक रुपए के, तो टोटल क्या हुआ? 2 हो गया। और क्या पॉसिबिलिटी है? थ्री और फोर। दो क्लेम आया, एक आया 2 रुपीज का, एक आया 1 रुपी का, एड इट अप। दो क्लेम आया, दोनों आया 2 2 रुपीज का, एड इट अप। गॉट इट? 4 आ गया, ठीक है। अब ये आपके वैल्यूज तो निकल गए, बट इसका हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। मतलब आपको क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी एस इक्वल्स टू 0 क्या होगा, एस इक्वल्स टू 1 क्या होगा। ठीक है, अब मैं एक करके दिखाती हूँ। प्रोबेबिलिटी एस इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है? हमने क्या बोला? हमने सेकेंड अजम्पशन क्या लिया? एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, है ना। मतलब कितना नंबर ऑफ क्लेम्स आ रहे हैं इज नॉट डिपेंडेंट ऑन क्लेम अमाउंट, या क्या क्लेम अमाउंट है इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कितने क्लेम्स आ रहे हैं। गॉट इट? तो अगर ये है इसका मतलब प्रोबेबिलिटी एन इक्वल्स टू 0 होगा, 0 क्लेम्स आए। अब 0 क्लेम आए तो एक्स इक्वल्स टू कुछ हो ही नहीं सकता। इसका क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी 0.6 दे रखा है, देखो एक बार। ठीक, एस इक्वल्स टू 1 कैसे हो सकता है? अगर आपके देखो एक क्लेम आ रहे हैं और वो जो एक क्लेम आ रहा है वो आपका 1 यूनिट का है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 क्लेम इज हाउ मच? समझो, अगर 0 क्लेम्स आ रहे हैं तो ये 0 हो गया, ठीक है। आप एक्स जीरो, एक क्लेम आ रहा है तो मतलब ये, और 2 क्लेम्स आ रहे हैं तो मतलब ये होगा। तो अब अगर एक क्लेम आ रहा है तो ये, तो इसका मतलब एन इक्वल्स टू 1 का क्या प्रोबेबिलिटी दे रखा है? हाँ, 0.6। ये क्या हो गया? कौन सा? कॉम्बिनेशन मतलब 3 क्लेम्स हो ही नहीं सकते। करेक्ट, कॉम्बिनेशन मत बोलो, बोलो दो क्लेम आ रहे हैं, एक एक 2 का अमाउंट का, एक 1 का अमाउंट का। कंप्लीट करो इसको।
प्रोबेबिलिटी एन इक्वल्स टू वन क्या है? 0.3, और एक्स इक्वल्स टू वन है 0.5, तो ये हो गया, ये हो जाएगा। देखो एक बार देखना, एक क्लेम आ रहा है और वो अमाउंट है 2 का। इसमें एक और पॉसिबिलिटी है कि दो क्लेम्स आ रहे हैं और दोनों क्लेम्स कितने के हैं? 1-1 के। ठीक है, तो इसका निकालो, मल्टीप्लाई करना है। एन इक्वल्स टू वन है 0.3 इनटू क्या करोगे, एक्स वन इक्वल्स टू 0.2, 0.5। एन इक्वल्स टू टू है 0.1 इनटू 0.5 इनटू 0.5। सिमिलरली एक बार देख लो, ये हो जाएगा, दो क्लेम्स आ रहे हैं, और एक बार देखना, एक क्लेम है 1 का और एक क्लेम है 2 का। अब ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं, है ना, आपस में। तो ये इंटू 2 हो जाएगा कि दो क्लेम आ रहे हैं, एक्स वन इज टू, एक्स टू इज 1, इंटरचेंज। हाँ, 1-2 या 2-1, यहाँ पे क्यों नहीं किया, क्योंकि सेम है, इट्स द सेम थिंग। और यहाँ पे हो गया प्रोबेबिलिटी एन इक्वल्स टू 2। ऐसे करके यू विल गेट आंसर्स, निकाल लो। ऑल शुड एड अप टू 1, वाई? बिकॉज इट्स अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? सो ऑल शुड एड अप टू 1। ऐसे थोड़ी यहीं पे आ रहे हैं, ठीक है, ये भी थोड़ा वाइट चलेगा, थोड़ा कम हुआ है, अरे हो जाएगा यार, हो जाएगा तो फिर एक ही बार भी कर देंगे, तो थोड़ी कुछ नहीं कर सकते। कितना कितना आंसर आ रहे बताओ। समझ में आया? और ऐसे भी अगर तुम देखो, तो हमने बोले ऑल द एक्सरसाइज आर IID, तो तुम माने इसको पहले लिखो या उसको पहले, डजेंट मैटर, बट दो बार आएगा तो इंटू टू। फिर और बोल, 0.0, हाँ आ रहे, एड अप, ओके 1। तो दिस बिकम्स योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस, गॉट इट? चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग प्रूफ करेंगे एक्सपेक्टेशन। ऑफिस आइडियली क्या होता है, देखो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस इज बेसिकली, एस इज व्हाट, एस इज डिपेंडेंट ऑन एन, हाउ मेनी क्लेम्स विल बी देयर, अकॉर्डिंगली क्लेम अमाउंट्स विल बी देयर। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, ये वाला इक्वेशन? हम लोग बेसिकली, अगर हम लोग इसका प्रूफ करें,
तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि एस या फिर एस गिवन एन इक्वल्स टू एन, एन इक्वल्स टू एन का मतलब क्या हो गया, एन इज कैपिटल, एन इज रैंडम वेरिएबल विच इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ क्लेम्स, इट कैन बी एनी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड वी आर टेकिंग अ वैल्यू। हम लोग बहुत बार नहीं बोलते, जैसे हमने कल हमने वो मिक्सचर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, उसमें हमने लिया था एक्स गिवन लैम्डा फॉलोज दिस पर्टिकुलर थिंग वेयर लैम्डा हैज इट्स ओन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे भी एस गिवन एन इक्वल्स टू एन का मतलब कि एन का एक आपने वैल्यू ले लिया है, ठीक है ना। तो दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू, हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स वन प्लस एक्स टू डॉट डॉट डॉट, अभी कैपिटल एन तक नहीं जाएगा, सिंस यू हैव टेकन अ फिक्स्ड वैल्यू इट विल गो टिल सम स्मॉल एन, गॉट इट। तो अब हम लोग इधर पे लेते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एस गिवन एन इक्वल्स टू एन, मतलब मैं प्रूफ करी, मैं आरएचएस से एलएचएस प्रूफ करूंगी, ठीक है। ये हो गया, तो बेसिकली आप क्या बोल रहे हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू डॉट 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 एक्स एन, ये बोल रहे हो आप। नाउ ऑल द एक्सेस आर, वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, ऐड करें, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे एडिंग अप, ये हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, अब इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, नाउ लेट्स सपोज ऑल आर व्हाट, एक्स वन एक्स टू आर आइडेंटिकल ऑफ ईच अदर, करेक्ट है, आइडेंटिकल है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब डजेंट मैटर वन है टू है डजेंट मैटर, ये लिख सकते हो, क्योंकि ऑल आर व्हाट, ये आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, सिंस ऑल आर आईआईडी नहीं, जो फैक्ट आप यूज कर रहे हो वो बोलो, आप आइडेंटिकल वाला प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, आईआईडी इंडिपेंडेंट वाला प्रॉपर्टी कुछ यूज नहीं हो रहा इधर। और ये होगा एन इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, क्योंकि एन टाइम्स है, गॉट इट, यहाँ तक आ गया, ये प्रूव हो गया। अब हम लोग को प्रूव करना था एक्सपेक्टेशन ऑफ एस, विच इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एस गिवन एन, ठीक है। ये अंदर वाला हमने निकाल लिया है, अंदर वाला क्या निकाला हमने, इंस्टेड ऑफ नाउ स्मॉल एन यू कैन जस्ट स्ट्रेट अवे राइट कैपिटल एन, क्योंकि हमने अब ऐसे, अब इसको हम जनरलाइज करें, एक बार जब हम लोग प्रूव करते हैं तो हम लोग उसको स्पेसिफिक लेते हैं, बट अब हम उसको जनरलाइज कर रहे हैं, ये हो गया देखो, एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एन इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, हेंस प्रूव्ड। ये बेसिकली जो हम लोगों ने निकाला है ये आपके टेबल बुक में है, एक बार देखना, आई थिंक पेज 13 में है शायद, ठीक है, ये हम लोग को काफी यूज करना होता है, एक बार देख के बताओ कौन से, 13 में जाना नहीं है, अच्छा नहीं, तो फिर उसके बाद है, मुझे दो, मैं देखती हूँ, इसको करो तब तक, जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं ना वही प्रॉपर्टी यूज करना है, हुआ। चलो नेक्स्ट करो वेरिएंस का,
वेरियंस ऑफ एस इज, वी से एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरियंस ऑफ एस गिवन एन, ये किया है क्या CS1 में? CS1 ने किया होगा शायद, है ना? इसका प्रूफ करेंगे, वेरियंस ऑफ ठीक है, वेरियंस अब इंडिविजुअली करते हैं। चलो अब ये वाला पार्ट हमने कर लिया है ऊपर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस गिवन एन, ये नहीं, इसके ऊपर जो क्या था हमने, एन इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, जो ये वाला, यही तो किया, एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये तो है ना, ये वाला वही चीज है। तो वील डू फॉर वेरियंस एस गिवन, अगेन लेट्स टेक स्मॉल एन, विच इज अगेन यू कैन डायरेक्टली राइट वेरियंस ऑफ X1 प्लस X2 प्लस डॉट 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 XN। नाउ कब आप बोलते हो कि वेरियंस ऑफ X प्लस Y इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ X प्लस वेरियंस ऑफ Y, व्हेन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, अदरवाइज देयर विल बी अ कोवेरियंस वाला टर्म। यू कैन नॉट से वेरियंस ऑफ X प्लस Y इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वेरियंस ऑफ आई, नो, देर विल बी प्लस टू कोवेरियंस ऑफ, टू इंटू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, वो कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई जीरो होगा इफ इट्स इंडिपेंडेंट, है ना? तो यहाँ पे ऑल द एक्स आईज आर वॉट, सिंस ऑल द एक्स आईज आर इंडिपेंडेंट, जो जो चीज जो अजम्पशन अपने यूज कर रहे हैं ना, हम लोग उसी को लिखेंगे, दूसरा कुछ अजम्पशन नहीं लिख सकते हो। इंडिपेंडेंट तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, वेरियंस ऑफ X1 प्लस वेरियंस ऑफ X2 डॉट डॉट डॉट, ठीक, अगेन यू कैन से वेरियंस ऑफ X, इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, आइडेंटिकल वाला, तभी तो तुमने बोला ना वेरियंस ऑफ X इज X1 X2 X3 सब सेम है, आइडेंटिकल, एन इंटू वेरियंस ऑफ X, ठीक है? तो वेरियंस ऑफ एस गिवन एन इज एन इंटू वेरियंस ऑफ एक्स, ये हो गया। अब अपने फॉर्मूला में अपने पुट इन करते हैं, चलो वेरियंस ऑफ एक्स वॉज, एक बार देख लो फिर करना, मैं टाइम दूंगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरियंस ऑफ एस गिवन एन जो हमने निकाल लिया है, प्लस ये हमने जो ऊपर निकाला था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एन इंटू वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वेरियंस ऑफ एन इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। अब देखो ये कॉन्स्टेंट, ये क्या है, गलत, सॉरी, ये वाला कॉन्स्टेंट है, कोई भी वेरियंस तो कॉन्स्टेंट ही होगा, वेरियंस एक्सपेक्टेशन, तो ये आपका बाहर आ जाएगा, वेरियंस ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एन हो गया, प्लस ये वाला आपका कांस्टेंट है, वेरियंस के बाहर आएगा तो स्क्वायर होके आएगा, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है? ये करो चलो कंप्लीट, ऊपर करूं, और ये लिख लिया था, छोड़ो छोड़ो, देखो देखो देखो।
इरेजर करो, रिकॉर्ड है अभी, फिर ये करें, लिखने के लिए तो ये करना पड़ेगा। इरेजर करो ना, अभी समझा रही हो ना, मुझे वो ठीक ऐसे है। हाथ लगता है। अच्छा आएगा नहीं, लेकिन उसमें नहीं आएगा। अरे हुआ, करो करो करो। हाँ स्टेन करे वाले। बहुत हो गया। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट एमजीएफ करेंगे। एमजीएफ याद है क्या होता था? एमएसटी अगर मैं लिख रही हूँ, इट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी एस, ये होता है। तो अगेन हम लोग क्या लेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी एस गिवन इन, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट अगेन प्रूविंग दिस। लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी एस गिवन एन इक्वल्स टू एन कर लो, एक बार देख लो फिर मैं करना। एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी, अब एस के जगह पे वी कैन राइट एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस डॉट डॉट डॉट। कैन वी राइट लाइक दिस? ठीक है, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, टी एक्स वन टी एक्स टू ई टू द पावर ए प्लस बी इज ई टू द पावर ए इंटू ई टू द पावर बी, ई टू द पावर ए प्लस बी इज ई टू द पावर ए टू द पावर बी। हाँ, यूजिंग द लॉजिक ई टू द पावर टी एक्स टू, गॉट इट? अब इसको हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी हैव सीन यहाँ, अब हम इंडिपेंडेंस का प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि आपका एक्स वन एक्स टू सब आपस में इंडिपेंडेंट है, तो e टू द पावर टी एक्स वन e टू द पावर टी एक्स टू भी इंडिपेंडेंट होगा। सो यूजिंग दैट इंडिपेंडेंस प्रॉपर्टी वी कैन से दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एक्स वन ठीक है, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी पूरा लिख लेना, मैंने लिख रही। अब इसके बाद हाँ आइडेंटिकल मैं ना डायरेक्टली लिख रही हूँ, अब हम लोग को समझ में आ गया। आप लोग एक स्टेप लिख लेना, ये पूरा चीज टू दी पार एन देखना, यूजिंग द प्रॉपर्टी, मतलब ये हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी एक्स, ऐसे हम लोग एन टाइम्स लिख रहे हैं, तो होल टू द पावर एन आ गया अपना। दिस इज नथिंग बट व्हाट, एमजीएफ ऑफ ये देखो ना, एमजीएफ का फॉर्मूला, दिस इज नथिंग बट व्हाट, एमजीएफ ऑफ बोलो बोलो, मैं सुन रही हूँ, ई टू द पावर, हाँ तो इट्स एमजीएफ ऑफ व्हाट, एमएसटी इज, दिस इज व्हाट, एमजीएफ ऑफ एस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी एस, दिस इज व्हाट, नथिंग बट एमजीएफ ऑफ एक्स ना,
ई टू द पावर टी एक्स, ये अंदर वाला पार्ट है ना, दिस रेस्ड टू द पावर, दिस थिंग रेस्ड टू द पावर एन, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या उसमें फॉर्मूला में डाल सकते हैं एमएसटी का, मैं ट्राई करते हैं चलो निकालने का, एमएसटी एक सेकेंड, ये क्यों ऐसा हो रहा है पता नहीं, एमएसटी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ईटीएस गिवन एन विच इज दिस ओनली, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एम एक्स टी होल टू द पावर कैपिटल एन लिख दू, या फिर चलो वापस से दिखा देती हूँ, इट्स नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी एस गिवन एन, दिस ओनली वी हैव प्रूव्ड ना इधर, दिस ओनली वी हैव प्रूव्ड दिस थिंग है ना, बस यहाँ गिवन एन लेके हमने क्या था उसको अब हम जनरलाइज करेंगे, सो इट बिकम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एम एक्स टी होल टू द पावर एन, कैपिटल एन लिख देते हैं चलो, यस और नो, नाउ कैन यू राइट लाइक दिस, ए टू द पावर बी अगर हम लिख रहे हैं, ए टू द पावर बी अगर हम लिख रहे हैं, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई log a to the power b, e और log cancel हो जाएगा ना, e raised to the power log, e raised to the power log is, and log में a to the power b है, तो b क्या होता है, सामने आ जाता है, b log a हो गया, can we use this logic, हाँ, can we use this logic here to get expectation of e to the power log, या n पहले लिख देते हैं, क्योंकि raised to the power n है, ये a है ये b है अकॉर्डिंग टू दिस थिंग विच आई हैव रिटन, लॉग mx t। अब एक और चीज समझो, अब एक और चीज समझो, व्हाट आर वी सेइंग, वी आर सेइंग mgf इज व्हाट, एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर ts, दैट्स mgf ऑफ s ना, कैन यू से दिस इज अ रैंडम वेरिएबल, यस, एंड ये पार्ट जो है ये तो एक वैल्यू निकलेगा, गॉट इट, एक्टिंग लाइक अ टी, तो कैन यू से दिस इज नथिंग बट एम जी एफ ऑफ, दिस इज नथिंग बट एम जी एफ ऑफ एन, इंस्टेड ऑफ टी आई एम राइटिंग लॉग एम एक्स टी, कैन यू से दिस, देखना बोलो कैन यू से दिस, बिकॉज एम जी एफ कैसा दिखता है, एक्स का एम जी एफ लिख लो या किसी का भी, इन जनरल एम जी एफ होता क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी इन टू एक्स ना, देखो एक बार टी इन टू एक्स ना, तो यहाँ दिस इज एक्टिंग लाइक अ टी, दिस इज एक्टिंग लाइक अ एक्स, सो दिस इज नथिंग बट, सो वॉट आर यू प्रूविंग, यू आर प्रूविंग दैट एम एस टी इज दिस, दिस इज वॉट यू आर प्रूविंग, अगर एम एस टी निकालना आए एम जी एफ ऑफ एस, तो आपको अगर एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन एन का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, टेबल बुक में देखो हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के नीचे उसका एम जी एफ लिखा हुआ रहता है ना, लिखा रहता है ना हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के नीचे, तो अगर आपको मैं बोलती हूँ एक्स फॉलोज एक्सपोनेंशियल एन फॉलोज पॉइजन, एम एस टी निकालो, निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि एम एक्स टी हम लोग देख लेंगे टेबल बुक से, log mxt हो गया, mnt हम लोग को पता है n का डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें आप वो फीड इन करोगे log mxt और वो सॉल्व करके आपका mst आ जाएगा, सो दिस इज नथिंग बट, दिस mst इज नथिंग बट mgf ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू नॉट t, log mxt, इसको लिख लो, देन वी विल डू वन क्वेश्चन उसमें इसको, ठीक है, कहां तक कॉपी किया, छोटा कर दो ना,
पेज 16 में है ये सब, पेज 16। ये जो तीनों चीज हमने निकाला ना, दिस इज ऑल्सो देयर, पेज 16, पेज 16, पेज 16, ठीक है। एमजीएफ इज ऑल्सो देयर, एमजीएफ हो गया। हाँ लिखो, कंप्लीट करो। यही मैं देख रही थी कि कौन से पेज में लो। हो गया, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, नेक्स्ट लिखो पीजीएफ। जैसे एमजीएफ क्या था, वैसे पीजीएफ क्या था? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन, विच वाज, इफ यू रिमेम्बर व्हाट वाज द फॉर्मूला, जीएस लिखते थे, जीएसटी या जीएक्सटी। एस का हम लोग लिखेंगे, व्हाट वाज द फॉर्मूला, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी टू द पावर एस, और हमारे केस में हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये अनकंडीशनल है, कंडीशनल ऐसे होता है, गिवन एन, अगेन वील प्रूफ फॉर दिस, सो वील स्टार्ट विद द इनर प्रूफ। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी टू द पावर एस गिवन एन इक्वल्स टू एन टी टू द पावर एक्स वन प्लस एक्स टू डॉट 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 एक्स स्मॉल एन, ठीक है। अगेन यूजिंग व्हाट प्रॉपर्टी, इंडिपेंडेंस प्रॉपर्टी, करेक्ट, वेरी गुड। टी टू द पावर एक्स वन, टी टू द पावर एक्स टू डॉट 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 एक्सपेक्टेशन ऑफ टी टू द पावर एक्स एन यूजिंग इंडिपेंडेंस, अगेन यूजिंग आइडेंटिकल, मैं नहीं लिख रही, एक स्टेप काट रही हूँ, तुम लोग लिखोगे आइडेंटिकल, मतलब वो बार ऐसे लिखना है टी एक्स टी एक्स टी एक्स, और फिर वैसे, ठीक है ना, सेम चीज, अब तो प्रूविंग एकदम सेम है। नाउ अगेन ये जो हमने यहाँ लिखा, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी टू द पावर एस गिवन एन इक्वल्स टू एन, ये क्या हो गया एक तरीके से, ये अंदर वाला क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी टू द पावर एक्स इज वॉट, पीजीएफ ऑफ एक्स, पीजीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, पीजीएफ ऑफ एक्स इज एक्सपेक्टेशन ऑफ टी टू द पावर एक्स, ये पीजीएफ ऑफ एक्स हुआ। हाँ तो जी एक्स टी लिख सकते हो अंदर को, एंड होल टू द पावर एन हो गया, यस और नो, ठीक है ना, ये आ गया। अब आप इसको एक्सपेक्टेशन ऑफ टी टू दी पार एस गिवन एन, कैपिटल एन हो जाएगा, जी एक्स टी होल टू दी पार कैपिटल एन। नाउ लेट्स प्रूव आर जी एस टी, जो हमें प्रूव करना था, विच इज एक्सपेक्टेशन ऑफ टी टू दी पार एस गिवन एन, एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स टी होल टू दी पार एन, ठीक, एक बार देख लो। फिर इसके बाद ये अंदर वाला ये आ गया। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक बार ध्यान दो, अगेन इफ यू कंसिडर दिस एज एंटायर थिंग टी, टी टू द पावर एन है, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी टू द पावर एन, पीजीएफ ऑफ एन हो गया एक तरीके से। पीजीएफ ऑफ एन क्या होता,
पीजीएफ ऑफ एन क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी टू द पावर एन, ये टी की जगह ये है, तो दिस बिकम्स व्हाट, देखना ध्यान देना एक बार, दिस बिकम्स जी एन इंस्टेड ऑफ टी, व्हाट विल यू राइट, जी एक्स टी, दिस इज नथिंग बट और बट योर जी एस टी विच इज पीजीएफ ऑफ एस, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल. क्यों अगेन, अगर मैं आपको बोलू पीजीएफ ऑफ एस निकालो, वेर एक्स फॉलोज लॉग नॉर्मल, एन फॉलोज पॉइजन, तो टेबल बुक में जाओगे, एन का पीजीएफ मिल जाएगा, एक्स का पीजीएफ मिल जाएगा, इसमें एक्स का डालोगे और फिर वो पूरे चीज का एन में डाल के निकाल लोगे. चलो करो इसको कॉपी, एक सेकेंड ध्यान देना, एक सेकेंड ध्यान देना, एक सेकेंड ध्यान देना. अच्छा ये करो, ये कर लो, फिर सीजीएफ फिर करा दूंगी, पहले ये कर लो. चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कॉपी हो गया पूरा, हो गया. अच्छा चलो, तो फिर नेक्स्ट सीएसटी सीजीएफ इज नथिंग बट व्हाट, लॉग ऑफ एमजीएफ, सो लॉग ऑफ एमएसटी, तो अगर एमएसटी निकल जाएगा तो सीएसटी निकल जाएगा, अलग से निकालने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा. नाउ डू यू रिमेम्बर कि हाउ बाय यूजिंग एमजीएफ एंड सीजीएफ यू कैन टेक आउट मीन वेरिएंस मोमेंट्स, सीएसएफ ने किया था. अगर आप एमजीएफ निकालते हो और उसको डिफरेंस करते हो, ये क्या है, एमजीएफ ऑफ एक्स है, डिफरेंस करते हो, टी के जगह जीरो डालते हो, तो ये फर्स्ट मोमेंट निकल जाएगा, याद आया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकलेगा, तुमने सीएस2 में करा है. डबल डिफरेंस करोगे एमजीएफ ऑफ एक्स का, तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है. सिमिलरली एमजीएफ का 3 बार करके जीरो डालोगे तो ये निकल जाएगा क्यूब. सिमिलरली यू हैव सी एक्स टी, जीरो डालोगे तो ये मीन ही निकलता है, ये सेम होता है. बट इस सीजीएफ का डबल डिफरेंस करने से याद है क्या निकलता है, वेरियंस, और सीजीएफ का ट्रिपल डिफरेंस करने से क्या निकलता है, स्क्यूनेस ऑफ एक्स. सेम अगर एस का करोगे, मतलब एमजीएफ ऑफ एस को डिफरेंस करोगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर, वेरियंस ऑफ एस भी निकल सकते हैं सीजीएफ यूज करके. ठीक है, नेक्स्ट लेट्स डू, लिखो कंपाउंड, नेक्स्ट लेट्स डू कंपाउंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, अब कंपाउंड पॉइजन का क्या मतलब होता है कि एस तो आपका कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशन है ही, एस तो आपका कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशन है ही, एन फॉलोज ऑलवेज पॉइजन, तभी वो कंपाउंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. एक्स कैन फॉलो एनीथिंग, बेसिकली आपका एन फॉलोज पॉइजन लैम्डा, जब भी आपका एन फॉलोज पॉइजन लैम्डा है तो या तो अब दो चीज होगा, एस या तो मिक्सचर डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा या एस आपका कंटिन्यूस बनेगा, दैट विल डिपेंड ऑन एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, बट एन इज फिक्स्ड तभी उसको कंपाउंड पॉइजन बोलते हैं. एक्स कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, एक्स अगर डिस्क्रीट होगा तो एस क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट होगा तो एस क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट, एक्स अगर कंटिन्यूस होगा तो एस क्या हो जाएगा, मिक्स 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 डिस्ट्रीब्यूशन, मिक्सचर ऑफ एन हमारा पॉइजन, तो जब पॉइजन होते हैं तो कंपाउंड पॉइजन, जब कंपाउंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं समझ जाओ एन फॉलोज पॉइजन है, एक्स का कुछ भी हो सकता है. अब अगर ये चीज गिवन है तो इसका अब हम लोग ट्राई करते हैं, मतलब कंपाउंड पॉइजन अगर हम लोग के सिलेबस में क्वेश्चन में बोल दे कि एस फॉलोज कंपाउंड पॉइजन, तो समझ जाना ऐसे बोलेगा कि एस फॉलोज कंपाउंड पॉइजन विथ लैम्डा सो एंड सो, मतलब वो एन का डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉइजन विथ लैम्डा दैट. तो अगर वो आ जाए और एग्जाम में हमें निकालने बोले कि एम एस टी निकालो, सी एस टी निकालो, मीन वेरियंस निकालो, तो कैसे करेंगे, चलो करते हैं.
एन फॉलोज पॉइजन हो गया। अब एमएसटी, एमएसटी मैंने क्या लिखा है फॉर्मूला में, देखो फाइनल एमएसटी का फाइनल क्या प्रूव किया था, एमजीएफ ऑफ एन टी के बदले लॉग ऑफ, ये हो गया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। खोलो टेबल बुक में और मुझे बताओ, अगर देख लो यहाँ पे, इफ वाई फॉलोज पॉइजन लैम्डा, चलो एन ही है, एन ही ले लेते हैं, तो व्हाट इज एमजीएफ ऑफ एन, देख के बताओ टेबल बुक में, नीचे दे रखा है एमजीएफ, ई के पावर में म्यू या लैम्डा टी माइनस वन। अब बस हमें क्या करना है, टी की जगह क्या डालना है, लॉग एम एक्स टी पूरा डालना है। पहले देख लो, तो ई के पावर में लैम्डा और फिर ई के पावर में टी के बदले लॉग एम एक्स टी हो जाएगा माइनस वन। अब ई एन लॉग कैंसिल, कौन सा ई एन लॉग, ये वाला ई एन, ये वाला लॉग कैंसिल, तो क्या बचा ई ई एम एक्स टी माइनस वन ये एम एस टी डिराइव हो गया। अब सी एस टी कैसे निकालेंगे, सी एस टी क्या होता है, लॉग ऑफ एम एस टी, तो लॉग ऑफ ये पूरा चीज मैं नहीं लिख रही, डायरेक्टली क्या आएगा, ठीक है यहां तक करो। अब क्या अगर मैं बोलू मीन वेरिएंस ऑफ स्क्यूनेस ऑफ एस का डिस्ट्रीब्यूशन, कंपाउंड पॉइजन निकालना है तो निकाल सकते हैं, डिफरेंस करेंगे सीएसटी को, टी की जगह जीरो डालेंगे, मीन ऑफ एस आएगा, मीन ऑफ एस, फिर सीएसटी को डबल डिफरेंस करेंगे और टी की जगह जीरो डालेंगे तो वेरियंस ऑफ एस, एस एस का आएगा, ठीक है। स्क्यूनेस ऑफ एस कितना इजी हो गया, अब एस का कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरियंस स्क्यूनेस निकालना। चलो यहां तक करो, कल 2:30 स्टार्ट करेंगे क्लास, ठीक है। हुआ हो गया। अब देखो कुछ कॉमन नोटेशंस लिख लेते हैं, वो सब में काम आएगा। इसको ना हम लोग M1 बोलते हैं, तुम लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा। इसको M2, इसको M3, ठीक है। M1 इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, कंफ्यूज मत होना, M2 इज नॉट वेरियंस ऑफ एक्स, इट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर मोमेंट अराउंड जीरो, और ये होता है सेंट्रल मोमेंट, ये सब इसको सेंट्रल मोमेंट बोलते हैं, और ये मोमेंट अराउंड जीरो क्यों, क्योंकि खाली ये है ना, ये अराउंड मीन होता है, गॉट इट। ये नोटेशंस M1 M2 M3 लिख लो। अब हम लोग मीन वेरियंस ऑफ एंड स्क्यूनेस ऑफ एस निकालते हैं, तो सी एस डिफरेंस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ टी, एक बार ध्यान दो, ये इसको हम डिफरेंस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टी, तो क्या बचेगा, लैम्डा एम एक्स टी, हाँ टी की जगह जीरो डालेंगे तो क्या निकलेगा, एक्सपेक्टेशन, अगर मुझे निकालना है ध्यान दो,
अगर मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ एस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सी एस जीरो लैम्डा एम एक्स जीरो, दिस इज नथिंग बट मैंने क्या लिखवाया ऊपर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स विच इज नथिंग बट लैम्डा एम वन एंड दिस इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ एस. अब यूजिंग ऊपर वाला अप्रोच जो मैंने प्रूव कराया था ना, एक्सपेक्टेशन वेरियंस और वो सारा, यूजिंग दैट अप्रोच वॉट विल यू गेट, बोलो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस इज वॉट. मैंने जो प्रूव कराया इसके पहले, क्या प्रूफ, पेज 16 ऑफ टेबल बुक में क्या दे रखा है, एक्स एस एस, अभी तो प्रूव कराया ऊपर. हाँ, इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ ये करवाया है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एन कितना है, एन हम लोग के केस में, वहां क्यों देख रहे हो, एन फॉलोस क्या है, लैम्डा विच इज मीन इज लैम्डा एंड दिस इज नथिंग बट एम वन अगेन, सेम थिंग आ रहा है, यूजिंग सी जी एफ एंड यूजिंग दैट अप्रोच अगेन. रुक जाओ, अभी मत कॉपी करो, सी एस डबल डिफरेंस टी, इसको अब दोबारा डिफरेंस करना है, लैम्डा एम एक्स डबल डिफरेंस टी पुट जीरो इन ऑर्डर टू कैलक्यूलेट, बस दो मिनट इन ऑर्डर टू, ये क्यों इतना लाइन्स, इन ऑर्डर टू कैलक्यूलेट, बोलो क्या कर रहे हैं इधर, वेरियंस ऑफ एस, वेरियंस ऑफ एस के लिए सी जीरो, अभी हो गया, इसमें क्या करोगे, लैम्डा एम एक्स डबल डिफरेंस जीरो डालोगे, क्या है बताओ, लैम्डा एक्सपेक्टेशन ऑफ जिसको मैंने लैम्डा एम टू लिखवाया है, हाँ ये वेरियंस ऑफ एस है. अब अगर हम लोग जो ऊपर में अप्रोच किया था उसके अकॉर्डिंग करें ट्राई, उसके अकॉर्डिंग बताना वेरियंस ऑफ एस क्या लिखवाया था मैंने, एस क्या लिखवाया था मैंने, फाइनल प्रूविंग एक्सपेक्टेशन ऑफ एन, क्विकली बोलो, वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वेरियंस ऑफ एन इंटू ये लिखवाया था, है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एन कितना होगा, लैम्डा वेरियंस ऑफ एक्स इज एम वन इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एम टू इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, रुक जाओ मत घुमाओ पेज, वेरियंस ऑफ एक्स इज वॉट, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर विच इज एम टू माइनस एम वन का स्क्वायर, एम टू इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एम वन इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स उसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस वेरियंस ऑफ एन इज अगेन लैम्डा, पॉइजन का मीन वेरियंस इज सेम, सो दिस बिकम्स एम वन का स्क्वायर, अब यहाँ एम वन का स्क्वायर यहाँ एम वन का स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, लैम्डा एम टू बचा, दैट इज वॉट यू गॉट ओवर हेयर एज वेल, सो यूजिंग सी जी एफ एंड जो पर में मीन एंड वेरियंस हमने किया, वी आर गेटिंग द सेम आंसर्स. अगर क्वेश्चन में बोला जाए मीन वेरियंस निकालो ऑफ एग्रीगेट सम अशॉर्ट, तो आप सी जी एफ वाला अप्रोच भी यूज कर सकते हो, सी जी एफ एम जी एफ वाला अप्रोच, पहले एम जी एफ निकाल लो, सी जी एफ निकाल के डिफरेंस करके करो, या फिर आप ये वाला फॉर्मूला वाला अप्रोच भी कर सकते हो, ठीक है. एंड लास्टली लेट्स ऑल्सो डू फॉर स्क्यूनेस के लिए ट्रिपल डिफरेंस करना पड़ेगा, देखो तो ये हो जाएगा लैम्डा एम एक्स ट्रिपल डैश टी, सो स्क्यूनेस ऑफ एस इज बेसिकली डबल डिफरेंस जीरो लैम्डा ट्रिपल डिफरेंस जीरो, गॉट इट, एंड दिस ट्रिपल डिफरेंस इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब विच इज लैम्डा एम थ्री, स्क्यूनेस हमने नहीं प्रूव किया तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ेंगे, गॉट इट, कॉपी कर लो, चलो ये नहीं अभी तुम्हारा क्लास नहीं है ये.
ठीक है, सारी चीजें कॉपी करने हैं जैसे वैसे प्रूविंग की है। कल हम लोग फिर यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस करेंगे और फिर कल दो करेंगे, कंपाउंड पॉइजन किया आज, कल कंपाउंड बाइनोमियल एंड कंपाउंड नेगेटिव बाइनोमियल करेंगे। बस उसमें क्या हो जाएगा, एन विल फॉलो बाइनोमियल, एन विल फॉलो नेगेटिव बाइनोमियल एंड ये सारा डिराइव करेंगे।